हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग वीडियो। इस वीडियो में हम टिश्यू प्रोसेसिंग की चार स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो लेट्स गो। स्टेप वन, डिहाइड्रेशन। टिश्यू प्रोसेसिंग की चार स्टेप्स होती हैं जो कि अपन ने पढ़ा। पहली डिहाइड्रेशन, सेकंड क्लियरिंग, थर्ड इम्प्रिग्रेशन और इम्फिल्ट्रेशन, देन फोर्थ एम्बेडिंग। फर्स्ट स्टेप के बारे में अपन जान लेते हैं, डिहाइड्रेशन के बारे में। तो डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू अकर्स व्हेन द वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द टिश्यू इज रिमूव। वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टिश्यू इज रिमूव इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसको और इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वाटर का रिमूव होना टिश्यू से, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। टिश्यू सेंड थ्रू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन टिश्यू में अपन कैसे करें, तो कैसे करें, टिश्यू सेंड थ्रू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। टिश्यू को डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल से गुजार कर वो टिश्यू का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। अब कैसे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 90% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस 100% अल्कोहल, 100% अल्कोहल। अब डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, जो आपकी मैंने आपको लाइन ये मेंशन करी, टिश्यू सेंड थ्रू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। अब टिश्यू सेंड थ्रू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल मतलब 50% अल्कोहल में डिप करा टिश्यू को, कितने घंटे के लिए करा, कितने हॉर्न्स के लिए करा, 1 hour। ये सारी प्रोसेस एक एक घंटे के लिए चलेगी। एक घंटे के लिए 50% में कर दिया, एक घंटे के लिए 70% में कर दिया, एक घंटे के लिए 90% में कर दिया, और एक एक घंटे के लिए इन तीनों में कर दिया। 50%, 70%, 90% मतलब इंक्रीज ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। टिश्यू विल सेंड थ्रू इंक्रीज ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन, जिससे क्या होगा, अपन ने इंक्रीज कंडीशन में अल्कोहल के पानी को टिश्यू को अपने डिप कर देगा एक एक घंटे के लिए, जिससे क्या हुआ, हमारे टिश्यू में डिहाइड्रेशन हो गया। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई, भैया डिहाइड्रेशन हो गया, जिससे अपन को क्या समझ में आया कि इंक्रीज कंडीशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन अल्कोहल का वाटर को कम कर सकता है, भैया डिहाइड्रेशन कर सकता है। अपन ने अल्कोहल ज़्यादा किया, 50 करा, पहले 50 करा, 70 करा, 90 करा, है ना, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि कंसंट्रेशन तो बढ़ा अल्कोहल का, लेकिन हमारी जो फर्स्ट स्टेप थी पानी की कमी करना है किसमें, टिश्यू में, वो हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो अपन अब इसमें अल्कोहल तो डालें, लेकिन कौन से अल्कोहल डालें, कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें डिहाइड्रेशन के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन जो करवाता है टिश्यू में उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये देख लेते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग होते हैं, इथाइल अल्कोहल होता है सबसे पहले, उसके बाद आता है एसीटोन, उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर आता है डाइऑक्सिन। ये चार डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको याद करना है, और कोई से भी दो एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इथाइल अल्कोहल और एसीटोन को एक्सप्लेन करा है, आप भी कर देना ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, जो आपके टीचर अच्छे देख के बोल पाए, लेकिन लिखना ये चारों। नाउ अल्कोहल, द बेस्ट एजेंट फॉर डिहाइड्रेशन इज इथाइल अल्कोहल। बेस्ट एजेंट है डिहाइड्रेशन के लिए इथाइल अल्कोहल, विच हैज़ अ एडवांटेज ऑफ नॉट बीइंग पॉइजनस। पॉइजनस नहीं होता। अब एडवांटेज पढ़ लेते हैं, नॉन टॉक्सिक होता है, मैसेबल हो जाता है वाटर से, नो श्रिंकेज, श्रिंकेज नहीं करता अपना टिश्यू को, आइडियल फॉर डेलिकेट टिश्यू, डेलिकेट टिश्यू के लिए आइडियल होता है ना। फिर डिसएडवांटेज देख लेते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, आग जल्दी पकड़ लेगा, इट मे कॉज हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, हार्ड कर देता है, ज़्यादा हार्ड कर देता है टिश्यू को, ज़्यादा हार्ड कर देगा तो क्या होगा, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि माइक्रोटोम में कटिंग सही नहीं होगी, कटिंग होगी तो उसमें शायद हो सकता है कि थोड़े अपने टिश्यू में कुछ डिफेक्ट आ जाए,
या कुछ उसमें निशान आ जाए टिश्यू में, जो अपन माइक्रोस्कोप में उसमें देखें तो निशान दिखें अपन को, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो उससे। तो ये इथाइल अल्कोहल की कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसीटोन के बारे में। भैया एसीटोन इट इज़ यूज फॉर कम्प्लीट डिहाइड्रेशन। कम्प्लीट डिहाइड्रेशन के लिए अपन किसको यूज़ करते हैं? एसीटोन को। ये चीज़ याद रखना, कम्प्लीट डिहाइड्रेशन के लिए किसको यूज़ करते हैं? एसीटोन को। टू चेंजेस ऑफ एसीटोन ऑफ वर्नहॉर्न्स आर गिवन टू अचीव कम्प्लीट डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू। दो चेंज एसीटोन में एक एक घंटे के लिए, दो चेंज एक एक घंटे के लिए, मतलब जैसे कि दो बॉटल में एसीटोन रख दिया और उसमें मैंने एक घंटे के लिए पहले वाले जार में डाल दिया, फिर दूसरे वाले जार में एक घंटे के लिए डाल दिया, तो इससे इस चीज़ से मेरे को कम्प्लीट डिहाइड्रेशन मिल जाएगा टिश्यू का। कम्प्लीट डिहाइड्रेशन मिल जाएगा टिश्यू का। एसीटोन इज़ वेरी फास्ट बट आ फायर हैजार्ड्स, सो इज़ सेफ ओनली फॉर स्मॉल हैंड प्रोसेस्ड सेट ऑफ टिश्यू। एसीटोन वेरी फास्ट है भैया, बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन फायर हैजार्ड्स भी हैं कुछ, सो काई के लिए सो सेफ रहेगा छोटे हाथ से करे हुए टिश्यू के लिए, सही रहेगा। छोटे टिश्यू हों, कम टिश्यू हो, ज़्यादा क्वांटिटी में टिश्यू ना हो, जैसे ज़्यादा करना हो तो जिससे वेपराइज ना हो, अपना एसीटोन वेपराइज भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो आग भी पकड़ सकता है ये, है ना। तो एडवांटेज पढ़ लेते हैं। रैपिड एक्शन करता है, इजीली रिमूव बाय मोस्ट क्लियरिंग एजेंट। जो अपनी नेक्स्ट स्टेप है क्लियरिंग, उसमें क्या होता है? क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि अपना ये फर्स्ट स्टेप है, कौन सी है? डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो उसमें वैसे ही अपन आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे क्लियरिंग एजेंट, है ना। तो ये इजीली रिमूव हो जाता है क्लियरिंग एजेंट से, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता मिल जाता है। नाउ डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। हाईली वॉलेटाइल है, कॉज श्रिंकेज। श्रिंकेज तो करेगा ही, क्यों करेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ये अपन 50% 70% 90% 100% क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है ताकि अपना सेल श्रिंक ना हो। 50% पे एक घंटा रखेंगे, 70% पे एक घंटा रखेंगे, 90% पे एक घंटा रखेंगे, 100 पे रखेंगे फिर एक घंटा, फिर 100, फिर 100। इससे अपना सेल श्रिंक नहीं होता, प्रोसेस स्लो है लेकिन सेल श्रिंक नहीं होगा, सेल को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए अपन इसलिए स्लो कर रहे हैं। अब एसीटोन में क्या है? एसीटोन में ऐसा है भैया कि जल्दी से आप जल्दी कंप्लीट क्या बोल सकते हैं आप, कंप्लीट डिहाइड्रेशन मिल जाता है उसको। कंप्लीट डिहाइड्रेशन हो रहा है और एक घंटे की प्रोसेस है, दो घंटे में काम हो जाता है। दो चेंज करो एक घंटे में दो चेंज, तो आपको पूरा कंप्लीट डिहाइड्रेशन मिल रही है, जिससे नुकसान क्या है? सेल श्रिंक हो जाता है, जल्दी पानी निकल गया उसका तो सेल श्रिंक हो गया। कुछ इस तरीके की बॉटल्स में आपको मिलता है एसीटोन और अल्कोहल। देखिए इसमें इन्फ्लामेबल की वो भी बनी हुई है मार्क। नाउ सेकंड स्टेप हमने कौन सी है? क्लियरिंग। अब क्लियरिंग रिफर्स टू एज डी अल्कोहलाइजेशन, द रिमूवल ऑफ अल्कोहल फ्रॉम टिश्यू। अब क्या है भैया, डिहाइड्रेशन कर लिया अपन ने, कैसे कर लिया अपन ने डिहाइड्रेशन, कैसे करा था? 50% करा, 70% करा, 90% करा, 100% 100%। अब क्या हुआ? टिश्यू में जो है अल्कोहल भर गया, 100% अल्कोहल टिश्यू के अंदर हो गया। अब अपन को अल्कोहल को भी निकालना है, तो किसकी मदद से निकालेंगे? क्लियरिंग किस ऐसी स्टेप है जिससे अल्कोहल निकालते हैं, तो इसमें यही लिखा है रिमूवल ऑफ अल्कोहल फ्रॉम टिश्यू। क्लियरिंग इज़ द प्रोसेस विच लीव्स द टिश्यू क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियरिंग ऐसी प्रोसेस है जो कि टिश्यू को क्लियर और ट्रांसपेरेंट बना देती है टिश्यू को। द एंड पॉइंट ऑफ क्लियरिंग कैन बी नोटेड बाय द ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस ऑफ टिश्यू। एंड पॉइंट कैसी पता चलेगी? कि अपन को ये पता चल गया कि हाँ भाई ये क्लियरिंग स्टेप हो चुकी है। ये कैसे पता चलेगा? टिश्यू को ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस जब हो जाए, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस ऑफ टिश्यू कैन बी नोटेड इज अ एंड पॉइंट ऑफ क्लियरिंग, है ना। द मेन मोटिव ऑफ क्लियरिंग इज टू रिमूव अल्कोहल टू मेक पैराफिन इम्प्रिग्नेशन कंप्लीट। मेन मोटिव क्या है भैया क्लियरिंग का?
अल्कोहल को रिमूव करना और क्या करना, पैराफिन इम्प्रेगनेशन कंप्लीट करना, है ना, कंप्लीट बनाना, है ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियरिंग एजेंट, जैसे अपन ने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, वैसे क्लियरिंग एजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन क्लियरिंग एजेंट के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि क्लियरिंग एजेंट को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़। तो अ गुड क्लियरिंग एजेंट कैसा होना चाहिए? अ गुड क्लियरिंग एजेंट मस्ट बी मिसिबल विद एल्कोहल एंड वैक्स, मिसिबल होना चाहिए एल्कोहल से और वैक्स से। शुड रिमूव एल्कोहल क्विकली, अल्कोहल को क्विकली रिमूव करना चाहिए, जो कि अपन ने यहाँ पर भी पढ़ा कि भैया अपन क्लियरिंग क्यों कर रहे हैं, अल्कोहल रिमूव करने के लिए। फिर रैपिड क्लियर, रैपिडली क्लियर भी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, विदाउट ओवर हार्डनिंग द टिश्यू, टिश्यू को ओवर हार्डनिंग नहीं बनाना चाहिए, है ना। ये होता है क्लियरिंग एजेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़। अब कौन कौन सी क्लियरिंग एजेंट है ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है ज़ाइलीन, देन टॉलिन, देन बेंजीन, देन सिडारवुड ऑयल, देन क्लोरोफॉर्म। ये पांच क्लियरिंग एजेंट के नाम लिखेंगे, कोई से दो एक्सप्लेन कर देना। ज़ाइलीन, ज़ाइलीन इज़ वेरी गुड एंड ट्रू क्लियरिंग एजेंट, ज़ाइलीन बहुत अच्छा ट्रू क्लियरिंग एजेंट है। इट इज़ कलरलेस एंड मोस्ट कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट, कलरलेस होता है और मोस्ट कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट होता है। आपने अपने लेबोरेटरीज में भी ये देखा ही होगा, ज़ाइलीन कहीं ना कहीं तो रहता ही है सारी लेबोरेटरीज में। टिश्यू शुड नेवर बी लेफ्ट इन ज़ाइलीन फॉर मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा ज़ाइलीन में टिश्यू नहीं रहना चाहिए। इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू के लिए ज़ाइलीन यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इस पॉइंट में लिखा है। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना, ओवर हार्डनिंग हो जाएगी, जैसा अपन ने पढ़ा कि ओवर हार्डनिंग नहीं होना चाहिए, ओवर हार्डनिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्लियरिंग एजेंट इज क्लोरोफॉर्म, इट इज़ मोस्ट आइडियल क्लियरिंग एजेंट फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिम्फ नोड, एम्ब्रियोस, बिकॉज इट कॉज लिटिल श्रिंकेज। ये सबसे बेस्ट आइडियल क्लियरिंग एजेंट है, किस किस के लिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए है, नर्व लिम्फ नोड के लिए है और एम्ब्रियोस के लिए। क्यों क्यों है ये आइडियल? क्योंकि ये श्रिंकेज बहुत कम करता है, ज़्यादा श्रिंकेज करते ही नहीं है, बहुत कम करता है। डज नॉट हार्डन द टिश्यू एक्सेसिवली, हार्डन करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता, कम करता है, बाकी जो दूसरे क्लियरिंग एजेंट है उसके कंपेयर में बहुत ही कम हार्ड करता है। इट इज़ गुड फॉर लार्ज ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक के लिए अच्छा है। कुछ इस तरीके के इसमें ब्राउन कलर के ग्लास बॉटल्स में ये क्लोरोफॉर्म और ज़ाइलीन आता है। इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन, अपनी थर्ड स्टेप आ गई है, इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन। तो व्हेन क्लियरिंग इज कंप्लीटेड, जब क्लियरिंग कंप्लीट हो जाती है, द टिश्यू आर ट्रांसफर्ड टू मोल्टन वैक्स पैराफिन इन द इमेल्टिंग ओवन। जब अपनी क्लियरिंग कंप्लीट हो गई तो अपन क्या करेंगे, टिश्यू को ट्रांसफर करेंगे मोल्टन वैक्स के, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैराफिन, इन द इमेल्टिंग ओवन में, है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द क्लियरिंग एजेंट डिफ्यूज आउट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द क्लियरिंग एजेंट डिफ्यूजेज आउट एंड मोल्टन वैक्स इज इनफिल्ट्रेटेड, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट डिफ्यूज आउट हो जाता है और मोल्टन वैक्स क्या होती है, इनफिल्टर्ड हो जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं इस चीज़ को, जिसमें क्या होता है, डिफ्यूजेस होता है, क्लियरिंग एजेंट बाहर जाती है, मोल्टन वैक्स का इनफिल्टर्ड मतलब अंदर जाती है अपने किसके, टिश्यू के। द वैक्स विच हैज़ इनफिल्टर्ड इन द टिश्यू गेट डिपॉजिटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्रिग्नेशन। अब जो अपनी वैक्स अंदर जाती है किसको निकाल कर, क्लियरिंग एजेंट को बाहर निकाल कर, आउट करके मोल्टन वैक्स जो अपनी पैराफिन है वो टिश्यू के अंदर जा रही है, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्रिग्नेशन, है ना। द नंबर ऑफ चेंज ऑफ वैक्स इन ईच बाथ इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्लियरिंग एजेंट, साइज एंड डेंसिटी ऑफ टिश्यू। अब ये किस पे निर्भर करता है कि अपन को कितने चेंज करना है पैराफिन वैक्स के, ये
ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ क्लियरिंग एजेंट, अपन ने कौन सा क्लियरिंग एजेंट यूज़ करा है। अपन ने पढ़ा कौन कौन से क्लियरिंग एजेंट होते हैं, अपन ने ज़ाइलिन यूज़ करा है, कि क्लोरोफॉर्म यूज़ करा है, कि टॉलिन यूज़ करा है, कि बेंजीन यूज़ करा है, कि सिदार्क वुड ऑयल यूज़ करा है, कौन सा यूज़ करा है, इस पे डिपेंड करता है ना। और किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड डेंसिटी ऑफ टिश्यू, साइज और डेंसिटी, टिश्यू की साइज और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स इज 54 डिग्री सेल्सियस। 54 डिग्री सेल्सियस पे पैराफिन अपना वो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको आप लिख देना, कभी कभी एग्जाम में आता है 54 से 60 डिग्री सेल्सियस। कीप मोल्टन एट अ टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हो तो वो तो मोल्ट होगी 2 से 5 डिग्री हायर, है ना, ज़्यादा करोगे तो होगी मोल्ट। पैराफिन वैक्स अपना कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके के उसमें आता है। कुछ कुछ पैराफिन डब्बे में भी आते हैं, बॉक्स टाइप के बड़े में, उसमें पैराफिन वैक्स आते हैं। ये कम क्वांटिटी वाला है, ज़्यादा क्वांटिटी वाला जो है वो बॉक्स में आता है। इम्बेडिंग लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप जो है वो है अपनी इम्बेडिंग। इम्बेडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग टिशू इन पैराफिन वैक्स। Embedding is the process of casting the tissue in paraffin wax and allow them to set or facilitate cutting off section. Embedding is एक ऐसी प्रोसेस है जो कास्ट करती है टिश्यू को पैराफिन वैक्स में और अलाउ करती है, फैसिलेट करती है, सेट करती है फैसिलेट होने में कटिंग ऑफ सेक्शन, है ना। जो मैंने ये लिखा है, ये डाइग्राम दिया है, ये एल मोल्ड्स हैं। ये एम्बेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि टिश्यू ब्लॉक बनाने के काम आता है, टिश्यू ब्लॉक बनाने में। लिक्विड पैराफिन एम्बेडिंग अपन देख लेते हैं। ये एल मोल्ड्स जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया था वो है, ये अपना लिक्विड पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन वैक्स है। इसको अपन ने थोड़ा सा डाला, किस में डाला, एल मोल्ड के बीच में, जो अपना टिश्यू ब्लॉक है, जो अपना ब्लॉक हो, ब्लॉक टाइप का बन जाता है। ये अपन आगे पीछे करेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा या छोटा भी हो जाएगा एल मोल्ड्स को। ये थोड़ी सी जगह दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो ये बड़ा बन जाता है, इसको थोड़ा और पास करेंगे तो छोटा बन जाएगा। तो अपन ने पहले थोड़ा सा पैराफिन डाला, देन उस पर टिश्यू डाल दिया, टिश्यू के ऊपर और पैराफिन डाला, उसको फिर थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने दिया। जैसे अपनी मोम, अपन मोमबत्ती अगर आप लोगों ने देखी हो, और मोमबत्ती किसी के घर पे हो तो उसको जलाओ, उसको जलाना या आपने देखी होगी, कभी जलाई होगी, देखा होगा, तो वो मोम नीचे गिरती रहती है पिघल कर, और फिर वो नीचे नीचे जमती रहती है, तो थोड़ी देर बाद जम जाती है वो पूरी, अगर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही इसके साथ है, ये मोम ही समझ लीजिए आप। तो ये पूरी जम गई तो ऐसा अपन को पैराफिन ब्लॉक मिल गया, जिसमें बीच में टिश्यू है और ये पैराफिन का ब्लॉक। तो ये सॉलिड पैराफिन ब्लॉक और ट्रिम्ड, इसको मैंने ट्रिम कर दिया, जो अपन ने फर्स्टली स्टेप पे पढ़ा था। ये अपने एल मोल्ड्स हैं। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट बीएमएलटी चैनल को बीएमएलटी स्टडी मटेरियल पाने के लिए।